विराट कोहली इंडिया का सबसे अच्छा बैट्समैन गिना जाता है। उसके पास एक मैजिकल बैट है जिससे वो हमेशा सेंचुरी मारता है। एक दिन जब विराट कोहली घर आया तो देखा कि उसका मैजिकल बैट चोरी हो गया है। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेता है। मेहुल आता है, घर को ध्यान से देखता है तो उसे तीन लोगों पे शक जाता है, धोनी, रोहित और धवन। तो मेहुल जाके उनके घरों की भी तलाशी लेता है तो उसे उनके घर पे तीन नक्शे मिलते हैं। क्या आप इन मैप्स को ध्यान से देख के बता सकते हैं तीनों में से चोरी किसने की होगी? ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। अगर आपको समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर दीजिए। चोरी धवन ने की है, क्या आप आंसर बता पाए? अगर नहीं तो पॉज करके वापस मैप्स को ध्यान से देखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप धवन के पास के मैप को ध्यान से देखेंगे तो वो कोहली के घर का है। साइड में दो विंडोज है, सामने एक विंडो और डोर है। डिटेक्टिव मेहुल धवन को तुरंत पकड़ लेता है। पहेली में मजा आया ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब मुझे बताइए, ऐसा क्या है जो साल में एक बार खरीदते हो, पूरा साल इस्तेमाल करते हो और बाद में उसे फेंक देते हो? सोचिए सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है कैलेंडर। चलिए अब मुझे बताइए, ऐसा क्या है जो गोल है पर गेंद नहीं है, पूंछ है पर पशु नहीं है, उसकी पूंछ पकड़कर खेले बच्चे फिर भी उसके आंसू ना निकले? बताइए बताइए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है गुब्बारा। चलिए अब मुझे बताइए, ऐसा क्या है जो दूसरों को भर पेट खाना खिलाता है लेकिन खुद कभी कुछ नहीं खाता? जल्दी से सोचिए और फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए। और इसका सही जवाब है चम्मच। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अब आपको इन पिक्चर्स को देखना है और मुझे बताना है इनसे कौन सा शब्द बनता है। जैसे आग प्लस रा हो गया आगरा। चलिए अब मुझे बताइए, इन दो पिक्चर्स से कौन सा वर्ड बनेगा? ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। ज प्लस पैन तो ये हो जाएगा जापान। चलिए अब इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनसे कौन सा वर्ड बनेगा। जल्दी से सोचिए और फटाफट आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। फैन प्लस टा तो ये हो जाएगा फैंटा। चलिए अब इन तीनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इससे कौन सा नाम बनेगा। जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सूर्य प्लस कांत प्लस ट तो ये हो जाएगा सूर्यकांत। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सना के तीन बच्चे हैं, दो लड़के हैं 12 और 14 साल के और एक लड़की है 16 साल की। एक दिन सना के वॉलेट में से पैसे चोरी हो जाते हैं तो तीनों में से किसी एक बच्चे ने चुराए होंगे। सना तीनों से पूछती है कि वो कल रात क्या कर रहे थे। लड़की बोलती है, मम्मी मैं तो कल जल्दी सोने चले गई थी, मैंने चोरी नहीं की है। बड़ा लड़का बोलता है, मम्मी मैं तो पब गया था।
पार्टी करने दोस्तों के साथ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। छोटा लड़का बोलता है, मम्मी मैं तो पीछे फुटबॉल खेल रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुन के सना तुरंत समझ जाती है कि चोरी किसने की है। कैसे सना को कैसे समझता है, क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। सना का बड़ा लड़का सिर्फ 14 साल का है, मतलब वो पब जाके पार्टी कैसे कर सकता है, उसे पब में घुसने भी नहीं देंगे। वो झूठ बोल रहा है, चोरी उसी ने की है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मिस्टर कपूर एक बिजनेस ट्रिप के लिए दिल्ली गए थे। शाम जब वो घर पहुंचे तो उनके बेटे राजीव ने दरवाजा खोला। मिस्टर कपूर को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि हमेशा उनकी बेटी दरवाजा खोलती है। उन्होंने राजीव से पूछा, तुम्हारी बहन कहाँ है? तो राजीव ने उसे बताया कि उसका मर्डर हो गया है। मिस्टर कपूर तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेते हैं मामले की तहकीकात करने। डिटेक्टिव मेहुल मिस्टर कपूर के बच्चों से पूछताछ करता है। राजीव, मैं मेरे दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता है। रूपल, मैं दिन भर गिटार की प्रैक्टिस कर रही थी, कल मेरा कॉम्पिटिशन है, मुझे भी कुछ नहीं पता है। संजना, मैं तो चॉकलेट कपकेक्स बना रही थी, किचन में थी, मुझे भी कुछ नहीं पता है। डिटेक्टिव फिर सबको उनके हाथ दिखाने बोलता है और तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे, ऐसा क्या देखा डिटेक्टिव मेहुल ने, क्या आप बता सकते हैं? जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए और हिंट के लिए आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। खूनी रूपल है। अगर वो दिन भर गिटार की प्रैक्टिस कर रही थी तो उसके उंगलियों में निशान पड़ जाने चाहिए थे, पर उसके हाथ तो स्मूथ है, मतलब वो झूठ बोल रही है, खून उसी ने किया है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दो पिक्चर्स को ध्यान से देखिए, इन पिक्चर्स में डिफरेंसेस है, क्या आप इन डिफरेंसेस को ढूंढ सकते हैं? आंसर देखने से पहले आपको जो जो डिफरेंसेस मिल रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, देखते हैं आप कितने डिफरेंस निकाल पाते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला डिफरेंस है ये, दूसरा डिफरेंस है ये, तीसरा डिफरेंस है, चौथा डिफरेंस है और पांचवा डिफरेंस है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राज और उसके बेटे रौनक की एज को अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 66। राज की एज में जो डिजिट्स है वही डिजिट्स उसके बेटे की एज में भी है, बस थोड़ा आगे पीछे है। तो क्या आप बता सकते हैं राज और उसके बेटे की उम्र क्या होगी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसके तीन आंसर हो सकते हैं। सबसे पहला वाला हो जाएगा राज की एज हो जाएगी 60 और उसके बेटे की एज हो जाएगी 6। दूसरा हो जाएगा राज की एज हो जाएगी 42 और उसके बेटे की हो जाएगी 24। तीसरा जवाब आप सोचिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। सोचने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। क्या आप इन दोनों कैदियों को ध्यान से देख के बता सकते हैं, कौन सा कैदी रोबोट है? ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप पहले वाले कैदी के पीछे की वॉल देखेंगे तो उस पे क्रैक्स है और हैमर के मारने के निशान है, मतलब ये कैदी हैमर से वॉल तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अगर आप दूसरे वाले कैदी के पीछे की वॉल देखेंगे तो वहाँ पे सर्कुलर गड्ढे हैं जो ये कैदी करने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन इसके पास हैमर भी नहीं है। और अगर आप होल्स का साइज देखेंगे और इसका हाथ देखेंगे तो वो सेम है, मतलब ये हाथ से होल्स कर रहा है, मतलब ये रोबोट है। ऐसी और पहेली के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।